आदाब, पर्पल न्यूज के इन न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मुत्रम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें हिंदूवादी संगठनों द्वारा फैलाई जाती रही हैं और कई जगह इन्हीं बयानों के दम पर सांप्रदायिकता की आग में देश को और शहर को झोंकने की साजिश की जाती है। मेरठ की तर्ज पर दिल्ली में भी इसी तरीके के हथकंडे को अपनाया गया और मेरठ में जिस तरीके से झूठ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता उगल रहे हैं वो हम सबके सामने आ चुका है, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि मेरठ से भारी तादाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आखिरकार इस दावों में कितनी सच्चाई है आप लोग खुद ही जान लीजिए। हमें तो 57 साल हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी के डर के मारे कोई चला गया हो। सामने वाला मकान देखो, इनके 5 लड़के हैं, सभी बाहर चले गए, अब बुढ़े बुढ़िया रह गए हैं तो क्या करें, मकान तो बेचेंगे ही, मकान छोड़कर थोड़े ही चले जाएंगे। ये बात 80 साल के देशराज ने कही जो प्रहलाद नगर के भीतरी मोहल्ले की एक गली में अपनी छोटी सी किनारे की दुकान चलाते हैं। उन्हें इस बात से बेहद तकलीफ भी है कि पिछले कुछ दिनों से कई बार मीडिया वाले यही सब उनसे पूछ रहे हैं, पलटकर वो पूछते हैं पता लगाओ ये सब कर कौन रहा है। जिस सामने वाले घर की ओर वो इशारा कर रहे थे वो बंद पड़ा था और उसके मालिक भी अपना मकान बेचने की कोशिश में लगे थे। देशराज बताने लगे, हमारे चारों ओर मुसलमानों की आबादी है, मुख्य सड़क के दूसरी ओर हिंदुओं की आबादी है। मेरे देखते देखते करीब 10 बार दंगे भी हुए, कर्फ्यू भी लगा, लेकिन हमें किसी ने ना कभी मारा पीटा और ना धमकाया। हमने भी कभी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा नहीं किया। अब अचानक पता नहीं लोग क्यों डरने लगे और दूसरे लोग डराने लगे। देशराज के पास ही उनकी पत्नी भी खड़ी थी, बोली यही शादी हुई, बच्चे हुए, पोता पोती हो गए, कुछ यही रह रहे हैं, कुछ कमाने खाने मकसद से बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन ये सब जो सुन रहे हैं हम पहले कभी नहीं सुना है। प्रहलाद नगर मेरठ शहर के बीचों बीच स्थित वही मोहल्ला है जो पिछले करीब एक हफ्ते से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर चर्चा में है। इस पलायन के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि ऐसा मुसलमानों के खौफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलाके में मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते अचानक स्थानीय नेताओं से लेकर सोशल मीडिया पर यह बहस चल पड़ी कि यहाँ के स्थानीय और पुश्तैनी हिंदू लोग छेड़खानी, गुंडागर्दी, चोरी, छिनेती और अराजकर परिस्थितियों के कारण अपने घर बेचने जा रहे हैं। तमाम मकानों के बाहर मकान बिकाऊ हैं, जैसे इश्तिहार की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर तैरने लगी। हिंदू संगठनों और बीजेपी के कई नेता भी इस मामले में चिंता जताते हुए बयान देने लगे और देखते ही देखते लोगों को केराना के फलाइन वाला मुद्दा याद आने लगा। मामले की शिकायत नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी की गई। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सहारनपुर पहुंचे तो उनसे भी इस कथित पलायन के बारे में सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री का जवाब था, कोई पलायन नहीं है हमारे रहते, भला कौन हिंदू पलायन कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पलायन शब्द जैसे यहाँ की फिजा से गायब हो गया। लोग अराजकता, छेड़खानी, ट्रैफिक समस्या, मकान बेचने जैसी तमाम बातें अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहने को कोई तैयार नहीं है यहाँ से कोई पलायन हुआ है। वो लोग भी नहीं जिन्होंने इस मुद्दे को कुछ दिन पहले ही जोर शोर से उठाया था। यहाँ तक कि मकान बिकाऊ है कि इबारत भी कई जगह मिटा दी गई है। हालांकि तमाम पुराने मकानों पर और उनके दरवाजों पर बिकाऊ वाली तख्ती लटकी हुई है।
प्रहलाद नगर में प्रवेश के लिए जो सड़क है वो बहुत चौड़ी नहीं है, जबकि सड़क के किनारे की गलियां तो बेहद तंग हैं। इस वजह से आए दिन ट्रैफिक और जाम की समस्या से यहाँ के लोग दो चार होते हैं। प्रहलाद नगर तीन ओर से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ की आबादी भी मिश्रित है। तमाम दावों से इतर पिछले कुछ सालों में यहाँ कई मकान बेचे गए हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ और भी है। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार कहते हैं, लोगों ने अपनी सहूलियत के मकान बेचे हैं, परिवार बड़े हो गए और ये इलाका सकरा है ही। बाहर जाकर नई कॉलोनियों में लोगों ने जमीन खरीदी और मकान बनवाए। मुसलमानों को बेचने के पीछे सिर्फ ये वजह है कि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए। हिंदुओं ने ज़्यादा पैसे दिए होते तो मकान उन्हीं को बेचा जाता। छेड़छाड़ और अराजकता की बात से दिनेश कुमार भी मना नहीं करते, लेकिन उसका कहना है ऐसा मुसलमान लड़के ही करते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, स्टंट करने वाले और गलत हरकतें करने वाले तमाम लड़के इस्लामाबाद की ओर से ही आते हैं। खैर, इस विवाद को तो तत्कालीन रूप से हल करने के लिए प्रशासन ने प्रहलाद नगर से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिस पिकेट लगा दी है। स्थानीय लोग इन दोनों ही जगहों पर गेट लगवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कानून व्यवस्था के सवाल पर मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार कहते हैं, कानून व्यवस्था की जो दिक्कतें थी उन्हें दूर कर लिया गया, कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं, पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, लोगों में विश्वास बहाली के लिए अमन कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं। इस्लामाबाद के कुछ मुस्लिम लोग इन खबरों से बेहद आहत हैं। 60 साल के अब्दुल सलाम कहते हैं, गेट क्यों, हम तो कह रहे हैं कि दीवार ही खड़ी कर दो। जब रिश्तों में ही दीवारें खड़ी की जा रही हैं तो ज़मीन पर भी खड़ी कर दो। बचपन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हिंदुओं मुस्लिमों मुसलमानों की तीसरी पीढ़ी है, सब साथ रह रहे हैं, कभी कोई आपसी विवाद हुआ हो तो बताइए। इसे आप पुलिस थाने में जाकर पता कर सकते हैं, कोई बताएगा कि मुसलमानों के डर से किसी ने घर बेचा हो, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ नहीं। वहीं मौजूदा रियाज कहते हैं, मकान मुसलमानों ने भी बेचे हैं और हिंदुओं ने भी बेचे हैं, खरीदार भी दोनों हैं, जिसे ज़रूरत थी बेच दिया, हमारे सामने वाले भी अपना घर बेच रहे हैं, उन्हें अभी खरीदार नहीं मिला है। पिछले साल उन्होंने अपनी ओर से रोज़ा इफ्तार किया था और मोहल्ले के सारे मुसलमानों को बुलाया था, हम लोग गए भी थे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे डर से मकान बेच रहे हैं। हाईवेयर की दुकान चलाने वाले दीपक सिरोही का घर भी प्रहलाद नगर में था, उन लोगों ने भी अपना मकान कुछ साल पहले बेच दिया और मेरठ के ही एक पोश इलाके में नया मकान बनाया। दीपक सिरोही बताते हैं, परिवार बड़ा होता गया, मकान छोटा पड़ने लगा, लेकिन ये भी सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ अराजकता भी बढ़ रही है। पुलिस केस वगैरह इसलिए नहीं होते हैं कि अराजकता फैलाने वालों को तो कोई पकड़ नहीं पाता और मोहल्ले के लोगों के बीच ऐसी कोई बड़ी घटना कभी हुई नहीं, छोटी मोटी घटनाएं आपस में सुलझ ही जाती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और कई बार ऐसा इलाके विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस मुद्दे पर बेहद खफा हैं। उन्होंने कहा, पलायन मुद्दा नहीं है, हाँ दिक्कतें भी जरूरी हैं, ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे किसी ने अब इसे हवा दी है, यह सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है, स्थानीय अधिकारियों की आक्रमणीयता के और कुछ नहीं। प्रहलाद नगर इस्लामाबाद की तमाम गलियों में घूमने और लोगों से बातचीत में एक और बात सामने आई, कुछ लोग इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। मेरठ के पटेल नगर इलाके में रहने वाले अशोक जोली कहते हैं, हिंदुओं के मोहल्लों में कब्जा करने के पीछे लंबे समय से एक सोची समझी साजिश चल रही है। पहले कोई एक मुसलमान महंगे दाम पर जमीन खरीदेगा, फिर हिंदू वहां से पलायन शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उन मकानों को मुस्लिम खरीदने लगते हैं। प्रहलाद नगर में हिंदू समुदाय के लोगों ने एक समिति भी बनाई थी जो हिंदुओं के मकान खरीदती थी, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक धीरे धीरे ये समिति भी भ्रष्टाचार के जरिए बंद हो गई। यहीं के एक नागरिक ने बताया, समाज के नाम पर हिंदुओं की जमीनें तो खरीद ली और बाद में खुद ही महंगे दामों पर मुसलमानों को बेच दिया। इस समिति के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन समिति के सदस्य और अधिकारी बातचीत को तैयार नहीं हुए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा है कि मेरठ के करीब 40 मोहल्ले देखते ही देखते हिंदू आबादी से मुस्लिम आबादी में बदल गए। मेरठ के शास्त्री नगर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार
पत्रकार सुनील तनेजा कहते हैं, पटेल नगर, रामनगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, ईश्वरपुरी, हरिनगर, विकासपुरी जैसे दर्जनों मोहल्ले ऐसे हैं जहां हिंदुओं के मकान अब गिनती में ही बचे हैं, जबकि ये सब पहले हिंदू मोहल्ले हुआ करते थे। बनियापाड़ा और मोरीपाड़ा जैसे इलाकों में पहले दोनों समुदाय के लोग आधे आधे थे, यहाँ तक कि शास्त्री नगर जैसे पोश इलाके कई सेक्टर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। इन इलाकों में मौजूद कुछ मंदिर ऐसे हैं जो इनका इतिहास बताते हैं। गुदड़ी बाजार में चारों ओर मुस्लिम आबादी के बीच एक बेहद पुराना मंदिर है जिसके परिसर में ही पुलिस चौकी भी है। सावन में कावड़िए भी आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। स्टेट बैंक कॉलोनी में अपना मकान बेचकर शास्त्री नगर में रहने वाले सत्य प्रकाश कहते हैं, हमने मकान बहुत बाद में बेचा है, लेकिन हम वहां से शिफ्ट 1996 में ही कर गए थे। हमारे इलाके में पहले कुछ मुसलमानों ने मकान खरीदा, हालांकि उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हिंदुओं ने मकान बेचना शुरू कर दिया और अब दो चार ही हिंदू परिवार बचे हैं। मेरठ में वकील एनके झापड़ा कहते हैं, पलायन नहीं तो और क्या है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो लोग भी मकान बेचकर गए हैं सारे के सारे मेरठ के ही दूसरे मोहल्लों में रह रहे हैं। यदि रोजी रोजगार के चक्कर में जाते तो मेरठ से बाहर जाते। पटेल नगर में अशोक जोली के मकान के सामने ही इफर शफीफ रहती हैं। करीब 10 साल पहले यह मकान उन्होंने किसी चोपड़ा साहब से खरीदा था। एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर शफीफ अपने पुश्तैनी घर को इसलिए छोड़कर आई हैं कि इलाका खुला था, चौड़ी सड़कें थी, साफ सफाई अपेक्षाकृत ज्यादा थी और कुल मिलाकर सुकून था। आखिर अच्छे रिश्तों के बावजूद लोग साथ क्यों नहीं रहना चाहते। शफीफ कहती हैं, दोनों का रहन सहन अलग है, मुसलमानों की कुछ आदतें उन्हें नहीं अच्छी लगती और तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। यही रहने वाली हसीना बेगम कहती हैं कि मोहल्ले की सैकड़ों दुल्हन हमारे सामने आई हैं, सालों से एक दूसरे के साथ हैं, ना हमें कभी दिक्कत आई है ना उन्हें कभी हुई, आज भी हमें या उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस कुछ बाहरी लोग ये सब कर रहे हैं। पटेल नगर के रहने वाले असलम फल का व्यापार करते हैं, वो कहते हैं, हम नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी सही है कि ये सब मोहल्ले के लोग कभी नहीं करेंगे, अब बाहरी लोग आकर माहौल खराब करने की कोशिश करें तो उसे सबको समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरठ के पलायन की सच्चाई क्या है। मेरठ की पलायन की सच्चाई शायद उन लोगों को हजम ना हो जो लोग सुदर्शन जैसे लोग और सुदर्शन के मालिक लाल कुएं में खड़े होकर के कहने से गुरेज नहीं करते कि जहां मुसलमानों की तादाद होगी वहां हिंदुओं पर ये मुसलमान अत्याचार करते हैं। ये सच्चाई उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इन दावों की सच्चाई को पेश करके शहर को और देश को बदनाम करने की साजिश के साथ साथ एक आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। पर भले ही वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही हम उन्हें इनके मंसूबे में कामयाब होने देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।